हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की जो आने वाले एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट बैच यानी अगर आप मैथ्स का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं और वो भी फ्री में, तो आप यूट्यूब पर कैसे पढ़ सकते हैं या किस टीचर को कहाँ से क्या आपको पढ़ना है, यानी क्या टॉपिक आप किस टीचर से पढ़ेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे, आप सीजीएल का मेंस तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। मेंस एग्जाम आप जानते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्री के कंपैरिजन में, तो आप उस तक के लिए तैयार हो जाएं। मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। आपको ये माइंड में अपने डाल लेना चाहिए कि ये किसी भी टीचर की प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं जेन्युइनली आपको वो सब बताने वाला हूँ जिस जिस टीचर से मैंने खुद पढ़ा है, यानी मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 3 तक क्वालिफाई किया है। आप जानते हैं आगे उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो मैं आपको जेन्युइन सजेशन दूंगा जो मैंने भी अप्लाई किया है और जहां से मैंने भी पढ़ा है। मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया, मैंने सिर्फ फ्री में जो भी कंटेंट था उसका यूज करा है और हर एक टीचर से अलग अलग टॉपिक मैंने पढ़ा है, जिससे मेरे को कंप्लीट तैयारी हो गई है, यानी मेरी कंप्लीट तैयारी थी और मैंने 2020 का सीजीएल भी क्वालिफाई किया है और 2021 का टीयर 2 भी क्वालिफाई हो गया है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे ही क्वालिफाई। चलिए हम बात करेंगे सभी टीचर्स की, किससे आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए कुछ टीचर्स नए आ चुके हैं और वो पुराने टीचर्स से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनसे भी पढ़ना चाहिए। तो देखिए हम बात करेंगे कि पुराने और नए सभी से कैसे आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पवन राव सर की। आप जानते हैं पवन राव सर अपने आप में मशहूर हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बेस्ट अप्रोच के लिए, या फिर कहा जाए तो वो अपने समझाने का जो मेथड है उसके लिए पवन राव सर जाने जाते हैं। वो खुद भी बोलते हैं कि आपको बस पढ़ते रहिए, समझा तो मैं दूंगा, यानी आपको कैसे समझाना है वो अच्छे तरीके से पवन राव सर को आता है। तो इनसे जो आप पढ़ सकते हैं वो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सब लोग जो पढ़ते हैं इनकी पढ़ते हैं ज्योमेट्री की वीडियो, यानी आप इनसे ज्योमेट्री और क्या मेंसुरेशन आप इनसे पढ़ सकते हैं, यानी इनकी करीबन 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी वीडियो है, वो आज भी उतनी ही ज्यादा अच्छी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जितनी वो पहले समय में थी। तो आप इनके चैनल पर जाइए मैथ्स विद पवन राव सर, तो उस पर जाएंगे आप, सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर थ्योरी नाम से यानी ज्योमेट्री थ्योरी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आपको इन वीडियो को देखिए, और मेंसुरेशन की भी मिल जाएगी, तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं इन दो टॉपिक को। मैं आपको रेकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ पवन राव सर। प्लेलिस्ट की मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से एक एक करके जा सकते हैं। आप बात करेंगे गगन प्रताप सर, जो हर किसी एक प्रिपरेशन करने वाले एसएससी के एस्पिरेंट के दिल में है, यानी बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इनसे क्या पढ़ना चाहिए। देखिए इनका जो सबसे ज्यादा लोग जो इनको प्रीफर करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट मेथड बताते हैं या फिर फास्ट अप्रोच। आप जानते हैं इतने एग्रेसिव या फिर कहा जाए तो मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है इनका क्वेश्चन के प्रति। आप जानते हैं जहर वाले सर वो गगन प्रताप सर ही हैं, तो इनसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक कि आप बेस्ट से बेस्ट अप्रोच पढ़ सकते हैं, यानी शॉर्ट से शॉर्ट मेथड, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, और आप हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, यानी ये सब चैप्टर जो अर्थमेटिक के हैं पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक, उसमें से कुछ चैप्टर को छोड़कर आप इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है, तो आप जानते हैं अच्छा ही पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, तो यहाँ से आप जाके अर्थमेटिक कर सकते हैं। मैं इनकी आपको देखिए इन पर प्लेलिस्ट आपके इनके चैनल पर जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्रैक्टिस नाम से, यानी एसएससी का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है टाइम एंड वर्क की, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम है इनके मैथ्स विद गगन प्रताप, ऐसे कुछ डालेंगे आप तो चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से जा सकते हैं। अब बात करेंगे अभिनय शर्मा, जो हर एक एस्पिरेंट के चाहते हैं या कहा जाए कि हर एक जो एसएससी की प्रिपरेशन करने वाला है उसके माइंड में कहीं ना कहीं आपके सर का जो एक चेहरा है वो रहता है। तो अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट मैंने इनसे पढ़ा है, तो इनसे मैंने सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा मुझे मैंने वो पढ़ा है मिक्सर,
और आपका मिक्सर चैप्टर हो और आपका एवरेज चैप्टर हो। तो मैं बात करूंगा कि अगर आप मिक्सर और एवरेज पढ़ना चाहते हैं सबसे अच्छे से, तो आप जा सकते हैं अभिनय सर के साथ, यानी अभिनय सर का चैनल है मैथ, अभिनय शर्मा नाम है इनका, तो अभिनय मैथ्स नाम से चैनल है। तो उसमें आप जाएंगे और प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप मिक्सर और एवरेज की, तो सिंपली आपको वहां से जाना और कंप्लीट वीडियो देखने के करके, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। भले ही वीडियो पुरानी है पर कंटेंट आज भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना पहले था। आप माने या ना माने, कुछ लोग केवल नया बैच खरीदने के चक्कर में इतने ज्यादा पैसे दे देते हैं, और आप जानते हैं उन बैच में भी कुछ नया नहीं होता, सिर्फ पुराना ही होता है, यानी टीचर तो वही है, थोड़े क्वेश्चन चेंज हो गए हैं पर समझाने का तरीका वही है। तो आपको क्वेश्चन की टेंशन ना लें कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, नए क्वेश्चन के लिए आप करेंगे ना प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पास बुक होगी, आप जैसे जैसे इनसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं आप वैसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन की आप एक बुक लेंगे। मैंने बुक की भी एक आपको वीडियो बना दी है, आप कौन सी बुक खरीद सकते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और देखिए अभी दो नए चेहरे, एक ये है अभिषेक ओझा, अभिषेक ओझा इनको ज्यादातर लोग नहीं जानते, और एक है आदित्य रंजन सर, ये दो सर हैं बिल्कुल न्यू हैं, यानी कुछ लोगों के जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके दिल में ये ओझा सर और आदित्य रंजन सर रहते हैं। कहता है तो दिल हमारा कहता है कि हमें एक जॉब चाहिए जिसमें दो स्टार लगे हों, तो दो स्टार पाने के लिए हम इन टीचरों को दिल में बसाए बैठे हैं। तो आप इनके पास, देखिए ओझा सर के पास आप क्यों जाएंगे, ओझा सर आपको मिलेंगे माई पाठशाला पर। देखिए अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन कर ली है, यानी अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट बैच पढ़ लिया है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगी, या कैलकुलेशन में कमी है, या फिर आपकी स्पीड में कमी है। तो स्पीड अच्छी करने के लिए या स्पीड में माहिर बनाने के लिए है ओझा सर। ओझा सर आपको वो मेथड बताएंगे, सारे मेथड नहीं बताएंगे, एकदम बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप यूज करेंगे एक मेथड को। तो आप इनसे जाकर, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इनसे कोई एक टॉपिक पढ़िए, इनसे आप जो भी चल रहा है यानी इन्होंने पूरा आपके लिए टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है सभी चैप्टर्स को, तो आप सभी चैप्टर्स की जाके इनसे पढ़िए एक बार कंप्लीट बैच पढ़ने के बाद। यानी अगर आपने एसएससी की एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब ओझा सर के पास जरूर जाइए। तो आपको इनके पास जाएंगे जब जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, या फिर अगर आप पहले भी जाना चाहते हैं तो पहले भी जा सकते हैं और देख सकते हैं इनकी वीडियो। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेंस में आप फास्ट स्पीड चाहिए, तो उसके लिए ओझा सर मेरे हिसाब से बेस्ट है, वो अच्छी अप्रोच बताते हैं और आपके लिए जो भी जरूरत होती है एक स्पीड के लिए, यानी स्पीड मेंटेन करने के लिए, वो सब ओझा सर बताएंगे आपको कैसे आप स्पीड मेंटेन करेंगे। यहाँ तक कि पहाड़ी याद करने हो, यानी टेबल आपको याद करने हो, या फिर कुछ चीजें याद रखनी हो, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे फॉर्मूलास याद करने रहते हैं, तो वो ओझा सर आपको बताएंगे कि आपको क्या याद करना है, कि आपको केवल क्वेश्चंस में फॉर्मूले से या फिर आपको कॉन्सेप्ट से लगाना है। तो इन ओझा सर को इसलिए आप फॉलो करेंगे। और आदित्य रंजन सर एकदम न्यू है, या कहा जाए तो अच्छे शुमार हो रहे हैं आपके यूट्यूब पर, तो इनकी मैंने अभी कुछ ज्यादा इनसे पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकता, पर बहुत से लोग इनको प्रीफर कर रहे हैं तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए। तो देखिए आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, देखिए पूरा यानी अलजेब्रा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट पढ़ाएंगे सर अच्छे से, और सर पढ़ाएंगे आपके लिए गगन प्रताप सर, आप यहाँ से पढ़ेंगे अर्थमेटिक फर्स्ट स्पीड बहुत अच्छे से, और आपके लिए मिक्सर और आपका जो एवरेज चैप्टर है बेस्ट पढ़ाएंगे आपको अभिनय शर्मा सर, और जो भी चैप्टर्स बच जाते हैं जैसे एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको हो सकता है एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री भी पविन राव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यानी एडवांस की बात करेंगे तो आपके लिए पढ़ा देंगे अच्छे से गगन पवन राव सर, और थोड़ा सा एलजेब्रा यहाँ से भी देख सकते हैं, सर भी अच्छा कराते हैं तो एलजेब्रा यहाँ से भी देख सकते हैं, पर यहाँ से आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन और यहाँ से अर्थमेटिक के लिए आप बहुत अच्छे से जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड स्पीड सब कुछ बिंदास चलेगा, और वैसे तो सर भी पढ़ाते हैं पर यहाँ से आप मिक्सर और जो आपका मिक्सर और आपका जो है एवरेज वो बेस्ट पढ़ाते हैं, बाकी टॉपिक भी आप अगर पसंद आ जाता है या आपको अच्छा लगता है तो सर से पढ़ सकते हैं। तो किसी के भी यूट्यूब चैनल पर जाइए आप कंप्लीट बैच पढ़ाएं वहां पर,
कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के भी चैनल पर जा सकते हैं। चाहे सर आपको ओझा सर ने भी अब कंप्लीट कराना चालू कर दिया है, तो बैच भी हैं सर के, तो आप इनके पास भी जा सकते हैं। पर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से ये पढ़ेंगे आप, और यहाँ मैंने बता दिया क्या पढ़ेंगे, ये सबकी प्ले लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से कंप्लीट तैयारी कीजिए। कोई भी अच्छा पढ़ाता है, कोई भी मीनिंग सभी अच्छे पढ़ाते हैं, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, पर अपना अपना समझ है, जिसको जिससे अच्छा समझ आता है वो अच्छा पढ़ाता है। जो मैंने बताया आपको फ्री में कंटेंट वो आपको बेस्ट होगा, यानी आपको सबसे अच्छा कंटेंट होगा मेरे हिसाब से, बाकी लोगों के हिसाब से अच्छा भी हो सकता है। किस टीचर से आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।